हम ये कह सकते हैं कि वो रूल्स, वो नॉर्म्स, वो रेगुलेशंस उस किसी भी काम को करने में हमारी मदद करते हैं। अब हम मतलब देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द मैनेजरियल प्रिंसिपल विच प्रोवाइड द गाइडलाइन फॉर डूइंग मैनेजमेंट, और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर दोज रूल्स और वैल्यूज़ विच आर यूज बाई मैनेजर टू मैनेज अ बिजनेस। अब प्रिंसिपल्स का मतलब पता चल गया हमें, कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं। अब वही नॉर्म्स, वही रूल्स, वही रेगुलेशंस को एक मैनेजर अपने बिजनेस में काम में लेता है ताकि वो अपने बिजनेस को सक्सेसफुली मैनेज कर सके, आसानी से मैनेज कर सके। तो वहाँ पर क्या बन जाते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बन जाते हैं। तो वहाँ पर वो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बन जाते हैं। तो प्रिंसिपल्स का मतलब देखा हमने, प्रिंसिपल्स कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो किसी के बिहेवियर को इफेक्ट करती हैं, या फिर कुछ ऐसी गाइडलाइन होती है जो हमें किसी भी काम को करने में मदद करती है। अब वही गाइडलाइंस जब हम मैनेजमेंट के अंदर इस्तेमाल करते हैं ताकि एक मैनेजर अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर सके, तो वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बन जाते हैं। अब ज़रूरी नहीं कुछ प्रिंसिपल्स खाली मैनेजमेंट के लिए बनाए जाते हैं। कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे वो भी होते हैं जो साइंस के अंदर भी बनाए जाते हैं, जिनको साइंटिस्ट अपने किसी भी एक्सपेरिमेंट में काम में लेता हो या किसी भी चीज़ को इन्वेंट करने में काम में लेता हो। लेकिन हम यहाँ पर साइंस की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मैनेजमेंट की। तो यहाँ पर हम मैनेजमेंट के ही बारे में पढ़ेंगे, जो कुछ भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब देख लिया हमने, प्रिंसिपल्स का मतलब देख लिया। अब आगे देखते हैं फेयोल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देयर आर 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल विच आर डेवलप्ड बाय हेनरी फ्योल थ्रू ऑब्जर्वेशन, प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। हेनरी फ्योल इज सेड एज फादर ऑफ मैनेजमेंट। 14 प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो हमारे हेनरी फ्योल से। सबसे पहले इस बात का भी ध्यान रखना है कि 14 प्रिंसिपल्स दिए किसने थे, 14 प्रिंसिपल को इन्वेंट किसने किया था। तो मैनेजमेंट के जो 14 प्रिंसिपल्स हैं, और इन 14 प्रिंसिपल्स को इन्वेंट करने वाले कोई और नहीं बल्कि कौन है, हेनरी फ्योल। और हेनरी फ्योल्स जो है उनको फादर ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है। अब वो 14 प्रिंसिपल्स कौन कौन है, उनको एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा प्रिंसिपल्स है वो है हमारा डिवीजन ऑफ